जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर राज्य में सभी त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। हर साल जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति और लोहड़ी मनाई जाती है। ये सर्दियों के मौसम में पड़ने वाला एक खास त्योहार है। इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और गरीबों दीन दुखियों को दान देते हैं। मकर संक्रांति को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। हर साल 14 से 16 जनवरी के बीच पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब नई फसल हो जाती है तो किसान अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। आइए जानते हैं पोंगल का महत्व और इसके इतिहास के बारे में। तमिल में पोंगल का अर्थ होता है उफान या विप्लव। इस दिन चावल, दूध, शक्कर और घी से भोग तैयार किया जाता है और सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। इस भोग को पगल कहते हैं। पगल को प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु सहित पूरे दक्षिण भारत में पोंगल से ही नए साल की शुरुआत होती है। यहाँ के लोग अपने घरों को आम के पत्तों और फूलों से सजाकर नए वर्ष का स्वागत करते हैं और पोंगल धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर रंगोली भी बनाई जाती है और पोंगल एवं मिठाई बांटी जाती है। उत्तर भारत की तरह ही यहाँ के लोग पोंगल के दिन एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। भारत के अलावा ये त्यौहार श्रीलंका, मॉरिशस, अमेरिका, कैनेडा और सिंगापुर में भी मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन भगवान इंद्र की पूजा होती है और अच्छी फसल के लिए उनका धन्यवाद प्रकट किया जाता है और अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। पोंगल के पहले दिन शाम के समय घर के पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके जलाया जाता है। पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल या थाई पोंगल के नाम से जाना जाता है। ये दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन नए चावल से एक अलग तरह की खीर बनाई जाती है और भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है। अच्छी फसल होने पर आभार प्रकट करने के लिए भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। बात करेंगे पोंगल के तीसरे दिन की। पोंगल के तीसरे दिन किसान अपने पशुओं की पूजा करते हैं, जिसे मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मट्टू पोंगल भगवान शिव का बैल था, जिसे भगवान ने किसानों के लिए पृथ्वी पर भेजा था। इस दिन किसान अपने पशुओं को स्नान कराकर उनके सिंगों में तेल लगाकर पूजा करते हैं। तो इस प्रकार पोंगल भाईचारे का भी प्रतीक है और सभी किसान मिलकर अच्छी फसल के लिए पोंगल का त्योहार मनाकर अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि पोंगल क्यों और कैसे मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं पोंगल से जुड़ी ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी जानकारी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक जीवन कोश को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जीवन कोश को, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।